मध्य प्रदेश कांग्रेस सदस्य प्रतिनिधि बसंत मालपानी ने बुधवार को सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर आदि को कोरोना योद्धा के सम्मान का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मालपानी ने बताया कि अभी तक लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया जा चुका है। नागदा खाचरोद विधानसभा के 300 से अधिक निजी व शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी आगामी दिनों में कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा जाएगा। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने इस सम्मान के लिए समस्त स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से धन्यवाद देकर कहा कि यह एक अच्छी पहल है। इस सम्मान से स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल और बढ़ेगा। किसी के भी नाम में अगर गलती हो आज हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है कि आज हमने नागदा के सिविल हॉस्पिटल के समस्त स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी अमूल्य सेवा इस नागदा शहर को, खाचरोद को और आसपास के ग्रामीण जनों को दी है। मैं सबसे पहले मेरी ओर से और मेरे पूरे साथियों की ओर से यहाँ पर सभी का वंदन करता हूँ और शत-शत नमन करता हूँ कि उन्होंने बगैर डरे निरंतर से कोरोना काल में सेवा जारी रखी। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने लगभग 80 से 90 स्वास्थ्य कर्मी टॉप टू बॉटम यानी जिन लोगों ने भी कोरोना मरीजों की सेवा की है उन सबका अभिनंदन पत्र देकर सम्मान करने का प्रयास किया है। जो भी लोग अगर इसमें छूटते हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि आने वाले समय में हम उनका अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि नागदा खाचरोद क्षेत्र में 300 से 400 स्वास्थ्य कर्मियों का हम अभिनंदन करें क्योंकि इनको प्रोत्साहित करने की जवाबदारी हमारी है। जब परिवार में माता पिता की तबीयत खराब होने के बाद कई जगह से बच्चे भी बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय में इन लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाकर कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है। तो हम आप सभी को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर कमल सोलंकी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मियों का हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी टीम के लायक आपको कभी भी कोई कार्य होगा तो हम हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद। कोरोना योद्धा जिंदाबाद। हॉस्पिटल नागदा के समस्त कर्मचारियों का आदरणीय हमारे शहर के आदरणीय श्री बसंत मालपानी जी के ग्रुप द्वारा स्वागत किया गया।
प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया गया। मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें इस मतलब इस क्या कहना चाहिए उपहार के लिए समझा।